गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं फिर से एक मेरे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो ब्लॉग है वो महादेव जी के ऊपर होने वाला है, क्योंकि आज सावन का सेकंड सोमवार है और आज का खास डे हमारे इसलिए है क्योंकि एक हमारे भैया हमारी जान का बर्थडे है। तो आज हम लोग महादेव के ही पार्टी करेंगे, वहीं हमारे पूरे भाई लोग आएंगे, वहीं केक कटेगा, आज पूरे दिन मस्ती करेंगे। अभी बाहर बारिश का माहौल है, मौसम काफ़ी अच्छा है। मैं गाड़ी में बैठ के शूट कर रहा हूँ क्योंकि बाहर बारिश आ रही है बहुत भयंकर वाली। और अभी भाई लोग बाहर गए हैं सब्जी वगैरह लेने, बाकी सामान हमें लेने हैं, पंडित को हमें बिठाना है और उसके बाद हमें पंडित को वहाँ छोड़ना है ताकि पंडित हमारा खाना रेडी कर देगा। और जहाँ तक हम लोग जो भी इंजॉय करना है, जो भी आप लोगों को हमें दिखाना है, मेरे को आपको दिखाना है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और चलते हैं अब आगे, देखते हैं वहाँ का माहौल कैसा है। मैं तो गया हूँ वहाँ पे एक दो बार, लेकिन वहाँ पे अलग ही मज़ा आता है, मस्त। वहाँ पे जाने का दिल करता है बार बार। तो सावन भी चल रहा है तो हमने सोचा कि चलते हैं वहीं इस महादेव जी के ही और वहीं पार्टी करते हैं। तो भाई लोगों ने वहीं का प्लान बना लिया, अब हम लोग निकल रहे हैं अभी यहाँ से। तो सब्जी वगैरह लेके वो लोग फ्री हो जाए, फिर हम लोग निकलते हैं और आगे आप लोगों को दिखाते हैं। चलो मिलते हैं वीडियो में आगे। तो अभी हम लोग जर महादेव के पहुंच चुके हैं, यहाँ पे आ रही है बारिश। अभी मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ का माहौल क्या है, नज़ारा क्या है, बहुत शानदार नज़ारा है। पूरी पहाड़ी पे बदल ही बदल है। अभी मेरे को सामान उतारने हैं बहुत सारे, ये हमारे इधर आदि भैया कैंप पर लेके जा रहे हैं, हमारा शिव भैया दूसरा कैंप पर लेके आ रहे हैं। और अभी तो बहुत सारे कैंपर हैं गाड़ी में, देखो पीछे पूरी गाड़ी भरी, स्कॉर्पियो हमारी, बर्फ़ की सिल्ली है, दही है, सब है, श्रीखंड वगैरह सब बनेगा भैया। और आगे भी हम उतरे हैं यहाँ पे, तो अभी यहाँ का माहौल देखते हैं क्या है। अभी तो हमने इधर सामान वामान रखने आए हम, हमारा पंडित खाना बना रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। हमारे पंडित जी खाना बना रहे हैं, गट्टे की सब्जी बन रही है, कड़ी बन रही है, फ्रूट क्रीम बनेगी भैया, गट्टे की सब्जी है ना। हाँ, हमारे आदि भैया ने बोल दिया गट्टे की सब्जी बनेगी। ये हमारी दूसरी गाड़ी है अटीका, और ये पहाड़ देख सकते हो आप, शानदार व्यू है यहाँ का, मस्त। सामने से आता है झरना, अभी बंद हो रहा है भी, लेकिन बारिश आई है, अब धीरे धीरे आएगा वो। पीछे बांध है, वहाँ से आता है वो। अभी हम ऊपर भी जा सकते हैं, हमारा भरोसा नहीं है। चलो आगे चलते हैं, आगे मिलते हैं। ये हमारे अभ्यारण्य की गाड़ी खड़ी हुई है यहाँ पे, किसी को भी अभ्यारण्य में घूमना हो तो इस गाड़ी के बुक कर सकता है इस गाड़ी को। नज़ारा ये पहाड़ है, यहाँ पे कुंडे जहाँ पे लोग बाग नहा रहे हैं। देखो आपको मैं बदल दिखाऊं, कितने नज़दीक है यहाँ पे बदल, बिल्कुल पहाड़ों से टकरा रहे हैं बदल, शानदार। ये हमारी पूरी पार्टी, हमारे बर्थडे बॉय कनपुर भैया, ये हमारे आदि भैया, ये हमारे सोनू भैया, ये हमारे गौरांग भैया, ये हमारे गोलू भैया। हर महादेव, हर हर महादेव, शिव शंभु, जय शिव शंभु। पहली ना हुए, अरे मिट्टी को पानी क्यों, मिट्टी मिक्स से मारो, गंदा मतलब कचरों मिक्स रह जाए, स्विमिंग पूल पर गो पानी। तो हम मंदिर के पास आ चुके हैं और झरना चालू है अंदर वाला, तो ये मिथे चालू रहता है, इसीलिए इनका नाम है जरमहादेव। यहाँ का झरना हमेशा ही झरता हुआ रहता है, इसलिए इनका नाम है जरमहादेव। बहुत प्यारी लोकेशन है, मस्त शानदार अल्टीमेट। गोरांग में धंधे ना लीजिए टी, मैं मंदिर दिखाता हूँ आप लोगों को। बहुत सारे बंदर है यहाँ पे, यहाँ का मंदिर है, बहुत बड़ा मंदिर है, रामेश्वर के बराबर मंदिर है। यहाँ पे भी जूते वगैरह खोल दिए हमने, अब हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर। लेडीज़ भजन कीर्तन कर रही है, हर हर महादेव। चलो मैं आपको महादेव दिखाता हूँ एक बार, उनके दर्शन करवाता हूँ। चलो भैया, चलो चलो चलो, हर हर महादेव। यह है हमारे यहाँ के चमत्कारी शिवलिंग,
पंडित जी पूजा कर रहे हैं शिवलिंग की। आप लोग देख सकते हो शिवलिंग। भगवान चलो हम आपको कुछ अच्छी चीज सुनाते हैं। तो अभी आप लोगों ने बाबा का भजन सुना, अभी मैं आपको झरना दिखाता हूँ। यहाँ का बांध से जो झरना आ रहा है वो है, अभी तो पानी कम है इसलिए इतना सा दिख रहा है, वरना पूरा पानी आता है यहाँ से बहुत। तो देख लो आप पहाड़ों के बीच में से काटता हुआ आता है, ये अलग ही चमत्कार है यहाँ का। बिल्कुल एक दो पहाड़ियों के बीच में से पानी निकलता हुआ आ रहा है, अरे यहाँ पे गिर रहा है। और यही महादेव जी का मंदिर है, ये यहाँ का कुंड है। जन्नो शानदार पूरी पहाड़ी आप देख सकते हो। कुंड में आपको दिखाता हूँ, लाल मुंह का बंदर भी यहाँ भैया, काले मुंह के लाल मुंह के दोनों बंदर हैं। मेरा फ़ोन भी छीन सकते हैं, कोई भरोसा नहीं इनका। ये यहाँ पे कुंड है, यहाँ से पानी आ रहा है इसमें। अभी हम लोग भी नहाएंगे यहाँ पे, नहा भी सकते हैं नहीं भी नहा सकते, कोई भरोसा नहीं हमारा। लेकिन जगह एक नंबर है पार्टी वगैरह के लिए। देख सकते हो आप पूरे बदल अड़ रहे हैं पहाड़ी से, पूरी पहाड़ी में आपको दिखा दूं, चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। मस्त ये हमारी पार्टी जा रही है आगे। समय हो चुका है शाम का, माहौल आप यहाँ का देख सकते हो, पूरे चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। और ये हमारे सारे भाई लोग खाना चालू हो चुका है। चलो ये हमारे रवि भैया, अरे महादेव, जय श्री श्याम। ये हमारे बोनी भैया, ये हमारे सुरेंद्र भैया, सोनू बड़े है। हमारा बड़े का केक आ चुका है, मंजुल भैया का बड़े है, हमारे बंटी भैया, देवाजी, ये हमारे गुजर साहब, गुजर साहब, और हमारे रवि भैया यहीं से ही, ये बोनी भैया यहीं से ही, और ये हमारे यूट्यूबर राम भैया, राम भैया भूल जाओ इनको, तो आपको भूलेंगे क्या, हम आपको नहीं भूलेंगे। और ये हमारे अजय भैया, इनसे आप मिल ही चुके हो, भूतपूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, अभी ये फैक्ट्री में जाते हैं वर्दी पहन के, भूतपूर्व सैनिक। और बाकी सब लोग का नाम है वैसे, अभी हमें केक वगैरह काटना है, फिर आगे जो भी होगा दिखाएंगे। शाम का माहौल होने वाला है, अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में, यहाँ पे अंधेरा जल्दी हो जाएगा क्योंकि चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है, उधर पीछे बड़ी वाली लाइन जा रही है। चलो चलते हैं आगे, केक काटते हैं। अब में भांगो ली पूरी नींबू में, हमारे सुरेंद्र भैया फोटो ले रहे, ये तेज भैया पी के कह रहे हैं इसमें तो कुछ भी नहीं है, बहुत हेवी वाला ड्राइवर है, बहुत हेवी ड्राइवर है भैया। अरे बोलेगी अड़ी बूटी ले लो, अरे ला जाओ यार, अभी है यार फोटो शूट तो बाद में भी आएगा।